अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपको और विकास आपके अपने चैनल में एक फिर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि हम लोग ओ लेवल की तैयारी कर रहे थे उसमें आज हम आपके लिए ICT का M4.3R4 के लिए क्वेश्चन लेके आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है, व्हाट इज ए प्रिंटर, क्या होता है, या प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर पूछ सकता है, लेजर प्रिंटर पूछ सकता है, तो किसी प्रकार का प्रिंटर पूछ सकता है। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आप ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि व्हाट इज़ द शॉर्ट नोट्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर, या किसी भी प्रकार का प्रिंटर हो। तो हम इसमें सारे जितने भी प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो सारे प्रकार के प्रिंटर इसमें हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें जिससे कि आपको अगर प्रिंटर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको हिंदी में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें हम सारे प्रिंटर कवर कर देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि आपसे कोई प्रिंटर पूछा जाएगा तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो का पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि इसमें सारे प्रिंटर कवर किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ का आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों के को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसके लिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो ये था आपका प्रिंटर की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, हम फटाफट ले रहे हैं जिससे कि आपका समय ज़्यादा ना ख़राब हो वीडियो को देखने में, इसलिए हम इसको फटाफट रीड कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई अगर शब्द इसमें आपको साफ ना दिख रहा तो आपको समझ में आ जाए। तो ये था प्रिंटर की डेफिनेशन। आगे देखते हैं प्रिंटर विधि। तो प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की, इम्पैक्ट प्रिंटिंग तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या होती है? इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की। यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज़ व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या करेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि के कागज़ पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कई प्रकार के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो हम सारे प्रिंटर को कवर करेंगे आज हिंदी में आपके लिए, जिससे कि आपको कोई प्रिंटर आपको कभी मिस ना हो। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक करेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 तथा 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती हैं, जिससे एक करेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। तो ये था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से 60 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर फॉन्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये विभिन्न आकार प्रकार और भाषा के कैरेक्टर ग्राफिक आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0-1 यानी बाइनरी के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो करेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रिंट की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं,
डेजी व्हील प्रिंटिंग यह ठोस मुद्दा अक्षर सॉलिड वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इसके प्रिंटर हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है जिसके प्रत्येक तान में एक एक करेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा रहता है। व्हील कागज़ की क्षैतिज दिशा में गति करता है और छापने योग्य करेक्टर का स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है और एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज़ पर टकराता है जिससे अक्षर कागज़ पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर बहुत कम उपयोग में लाए जाते हैं। लाइन प्रिंटर यह भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटर की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक करेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी व मिनी फिल्म कंप्यूटर के बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर के तीन उदाहरण हैं, तो सभी को देख लेते हैं। इसमें मैंने सारे प्रिंटर कवर कर दिए और उनके सारे एग्जांपल भी कवर कर दिए हैं, जिससे कि आपको कभी भी प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। ड्रम प्रिंटर देख लेते हैं। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह के अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज़ पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में करेक्टर छापने या जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक हैंड के उचित करेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चेन प्रिंटर। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में करेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक करेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजिशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर कागज़ पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट कर सकता है। बैंड प्रिंटर यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंट में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपके वो आपके थे इंपैक्ट प्रिंटर, अभी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अनेक विधियाँ हैं जैसे कि लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो देख लेते हैं लेजर प्रिंटर आपका पूछा जाता है अधिकतर, तो इसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है शुरू से लेकर अंत तक। लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक में हो रहा है। पहले से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज से उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रोप्रोसेसर रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कॉटेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर रखे सूखी स्याही का प्रयोग पाउडर या इंक पाउडर भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज़ रोशनी का प्रयोग किया जाता है और लेजर प्रिंटर 300 से 600 dpi डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इससे विशेष टोनर होता है इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने गति उच्च होती है तथा या प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका लेजर प्रिंटर।
लेजर प्रिंटर की विशेषताएं हैं, उच्च रेजोल्यूशन, उच्च प्रिंट गति, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई। लेजर प्रिंटर की कमियां क्या है? इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा है, टूना तथा ड्रम का बदलना महंगा है, इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी है। अब देखिए थर्मल ट्रांसफर फिल्टर प्रिंटर, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अच्छा प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इस प्रिंटर का उपयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फोटो लैब की क्वालिटी फोटो पेपर पर छापते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इस प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छे स्याही के बूंद छापता है। कुछ फ़ोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4x6 फोटो को सीधी डिजिटल कैमरे से मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नोजल तथा बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटो स्थान हल्का मैजेंटा तथा हल्का काला रंगों में रंगीन कॉटेज होता है। ये अतिरिक्त रंगीन कॉटेज को सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसा फोटो छापते हैं। इसका परिणाम साधारणतः इंकजेट लेजर प्रिंटर से बेहतर होता है। तो ये था आपका फोटो प्रिंटर। ये आपका पूछा नहीं जाता लेकिन मैंने कवर कर दिया है क्योंकि सारे प्रिंटर कवर कर रहे हैं तो इसको भी कवर कर दिया। ये आपका पूछा जाता है इंकजेट प्रिंटर या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों को की बौछार करके करेक्टर व ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीलम लाल पीला तथा नीला लाल पीला तथा काला, इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसके प्रिंट हेड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है। यदि इसमें कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके नोजल में महीनों पर स्याही जम जाती है जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लोजिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाती है तो इंक फैल जाती है। इसके प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डॉट पर इंच होती है। तो ये था आपका इंकजेट प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह धोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनके प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे के तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर कहा जाता है। उसका देखते हैं मल्टीनेशनल आपका क्या था, मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर जो होते हैं, ऐसे प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, इसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा महीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यालयों यानी कि होम ऑफिस में बहुत लोकप्रिय होता है। इससे इंकजेट या लेजर प्रिंट विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टी फंक्शन प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल कैमरे से कंप्यूटर से प्रयोग के बगैर सीधे इमेज छाप सकता है। तो ये थे आपके सारे प्रिंटर मैंने कवर कर दिए, एंड हो चुकी है वीडियो। तो आशा करते हैं आपको सारे प्रिंटर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो जो प्रिंटर आपने इसमें से पूछा जाए आपके ICT के एग्जाम में या अदर किसी एग्जाम में, तो आप इसमें से प्रिंटर के क्वेश्चन आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।